नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारत बंद के दौरान लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। CAA, NPR और NRC को लागू नहीं करने की मांग। भारत बंद को लेकर भागलपुर में दिखे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सिटी DSP राजवंश सिंह ने संभाली कमान। कहा, उपद्रवियों पर है पुलिस की नजर। विक्रमशिला महोत्सव को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने की बैठक। कहलगांव में 29 फरवरी से 1 मार्च तक होंगे कई कार्यक्रम। अंग के लाल सौरभ कुमार ने जीता मिस्टर एशिया इंटरनेशनल अवार्ड। बधाई देने वालों का लगा तांता। और वसंत पंचमी को लेकर सारी तैयारी हुई पूरी। गुरुवार को पारंपरिक विधि विधान से होगी मां सरस्वती की पूजा। और अब खबरें विस्तार से। नागरिकता संशोधन कानून NPR और NRC के विरोध में बुधवार को भारत बंद के आह्वान पर भागलपुर में भी बंद समर्थकों ने विभिन्न संगठन के बैनर तले प्रदर्शन किया और नए कानून को सरकार से वापस लेने की मांग की। बंदी के दौरान स्टेशन चौक पर बहुजन स्टूडेंट यूनियन, आइसा, सामाजिक न्याय आंदोलन, भाकपा माले, संविधान बचाओ देश बचाओ समिति के बैनर तले कई संगठन के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और NPR और NRC को भाजपा की राजनीति का षड्यंत्र का हिस्सा बताया। वहीं कुछ युवाओं ने सड़क पर बैठकर सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की तो कुछ लोगों ने बैनर तख्ती लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कही। इस दौरान चंपानगर इलाके से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे युवाओं ने स्टेशन चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहती है, जिससे देश की जनता कभी कामयाब नहीं होने देगी। भारत बंद का असर भागलपुर के बाजार पर भी दिखा। बंद के समर्थन में ततारपुर और शाह मार्केट की सभी दुकानें बंद रही, जिससे कि दूर दराज से खरीदारी करने आए लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बंद समर्थकों से बात की हमारे संवाददाता सैयद इनाम उद्दीन ने। नागरिकता संशोधन कानून NPR और NRC को लेकर के देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार लोग सड़क पर उतरे हैं। इसी कड़ी में आज भारत बंद का आह्वान किया है विभिन्न संगठन के द्वारा। भागलपुर में भी इसका असर देखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे सीधा बातचीत करते हैं कि उनकी क्या मांग है। आप बताइए क्या मांग है। दरअसल हम साफ तौर पर मानते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने का कानून नहीं है, बल्कि नागरिकता के बहाने संविधान पर हमला बोला गया है, संविधान के सेकुलर बुनियाद पर हमला बोला गया है। दूसरी तरफ जो CAA, NRC और NPR का पूरा पैकेज है, ये इस देश के बहुसंख्यक आवाम से नागरिकता छीनने का पैकेज है और इसलिए हम इसके खिलाफ खड़े हैं। नागरिकता छीनने की साजिश चल रही है, ऐसा लोगों का कहना है। दूसरे लोग भी हैं, उनसे युवा है, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या बताइए, क्या मतलब क्या है आज के CAA NRC। दरअसल हम लोग गुजरों पे हमला है और इसके जरिए असल जो CAA सोच रहे हैं लोग, जो भी हमारे हिंदू भाई हैं, जो भी कौम मुस्लिम के अलावा लोग हैं, वो समझते हैं कि CAA के जरिए वो नागरिक फिर से बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये रिफ्यूजी एक्ट से ही आया है। नए कानून को वापस लिया जाए, उलमा क्या कहते हैं उनसे भी जान लेते हैं, आप बताइए। असल में सिर्फ CAA का मसला नहीं, जो तीन चीज़ का मिला करके इन्होंने पैकेज रखा है CAA, NRC, NPR। दरअसल इसके जरिए जहां मुसलमान सामने है ही है और ये पार्टी का एजेंडा ही मुसलमान विरोधी पर है, इसके साथ साथ जो क्या कहते हैं बहुजन है, इसी तरह जो है आदिवासी है, खाना बदोश है और वो तमाम बल्कि 75% की आबादी हिंदू मुस्लिम सभी जिनके पास सही से कागजात नहीं है, जो मजदूर तबके के हैं, गरीब तबके के पास हैं, जिनके पास घर नहीं है, वो तमाम को जो है निशाना बनाने का इरादा है और इन तमाम को जो है क्या कहते हैं यहाँ की नागरिकता छीनने का इरादा है, देने का इरादा। हम आपको यहाँ पर रोकेंगे, आपके ही जनप्रतिनिधि ने इस कानून को बनाया है तो फिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं। यकीनन जनप्रतिनिधि को हमने चुन करके भेजा है तो ये इस आधार पर भेजा है कि हम यहाँ के नागरिक थे। अब वो ये कानून बना करके हमारा नागरिकता का सवाल करेंगे तो हम कैसे उनको मान सकते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि। तो लोगों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी आक्रोश है, दूसरे लोग हैं उनसे ही बात कर लेते हैं कि आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। देखिए सबसे पहले अभी जो उनसे आपने पूछा कि हमने खुद भेजा है, तो जब हमने
अपने वोट के जरिए से उनको वहाँ सेलेक्ट करके भेजा, तो हम नागरिक थे तभी तो गए ना वो, अगर हम नागरिक नहीं थे तो वो हमारा वोट वो लिए कैसे, वो पार्लियामेंट तक पहुँचे कैसे, वो प्राइम मिनिस्टर बने कैसे। तो अगर हम नागरिक नहीं हैं तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो भी सबसे पहले वो वहाँ से हटे, उसके बाद फिर बात होगी। दूसरी बात, आगामी चुनाव में आप क्या करने जा रहे हैं? अभी जब आएगा वक्त आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात ये है कि इस मरतबा बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है, ये बात मुतय्यन है कि इनकलाब आएगा और बहुत ज़बरदस्त इनकलाब आएगा, और ये हिटलर शाही इस देश में नहीं चलेगी। इस मुल्क में रहने वाली जो आवाम है, यहाँ की जो जनता है, उसने साफ कर दिया कि यहाँ हम हिटलर शाही किसी भी कीमत पर कबूल नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों के बीच आक्रोश है, लोग जो है तो मोदी सरकार और जो गृह मंत्री है अमित शाह उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और देश में लगातार इस तरह का प्रदर्शन चल रहा है, युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ भारत बंद को लेकर भागलपुर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भागलपुर एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में सतर्क दिखे। स्टेशन चौक पर सुरक्षा की कमान सिटी डीएसपी राजवंश सिंह संभाल रहे थे। प्रदर्शन शुरू होने से पूर्व राजवंश सिंह ने ड्यूटी में लगे अधिकारियों और जवानों को कई दिशा निर्देश दिया और बंद समर्थकों से उपद्रव नहीं मचाने की अपील की। वहीं कोतवाली इंस्पेक्टर अमर विश्वास, ततारपुर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार, इशाकचक थानाध्यक्ष संजय कुमार सुधांशु, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद कमाल समेत कई पुलिस अधिकारी दल बल के साथ स्टेशन चौक और ततारपुर चौक पर मुस्तैद दिखे। वहीं खुफिया विभाग भी पल पल की जानकारी अधिकारियों को दे रहे थे। सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध की आड़ में तोड़फोड़ करना गलत है। जैसे पहले होती आई है, तो बंदी में जो आदेश निकला वरीय पुलिस अधीक्षक का, हर जगह फोर्स की तैनाती की गई है और सभी लोग अलर्ट हैं ताकि शांतिपूर्वक सब कुछ निपट जाए। विक्रमशिला महोत्सव को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज हो गई है। बुधवार को कहलगांव स्थित ट्राइसम भवन में भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने विक्रमशिला महोत्सव को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। बैठक में तय हुआ कि महोत्सव का आयोजन 29 फरवरी से 1 मार्च तक होगा। स्थानीय लोग विक्रमशिला महोत्सव को 3 दिनों तक करने की मांग कर रहे थे। डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि महोत्सव के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। बैठक में एसएसपी आशीष भारती, डीडीसी सुनील कुमार समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल 2019 अवार्ड जीतकर भागलपुर के लाल सौरभ कुमार ने यह चरितार्थ कर दिया कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती और ईमानदारी से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इंटरनेशनल अवार्ड पर कब्जा जमाने वाले भागलपुर आदमपुर इलाके के रेड क्रॉस रोड निवासी अशोक ठाकुर का पुत्र सौरभ कुमार के पहले प्रयास में खिताब जीतने पर मां रूपा ठाकुर काफ़ी खुश हैं। वहीं डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने सौरभ के माता पिता को बधाई दी और सौरभ कुमार को इंटरनेशनल अवार्ड जीतने पर शुभकामनाएँ दी। बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। इतना मुझे उम्मीद भी नहीं था कि वो पूरे इंडिया में 200 स्टूडेंट में, जिसमें कि 100 लड़कियां थी, 100 लड़के थे, उसमें एक लड़के को मिस्टर एशिया ग्लैमर अवार्ड मिला। हमको ही नहीं, पूरे मतलब हमारे परिवार में, सबको, समाज में सबको खुशी है और हमको उम्मीद है कि आगे भी चल के ये बहुत अच्छा करेगा। अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई। उसका 18 से ही और 21 तक उसका प्रोग्राम चल रहा था, इसमें 21 को उसका फाइनल हुआ। बहुत अच्छा संस्कारी था, और सबसे जरूरी होता है कि यदि पढ़ाई नहीं भी करे तो उसका संस्कार खत्म नहीं हो, उसका ध्यान नहीं भटके, अनुशासित था, और यही अनुशासन उसको यहाँ तक ले आया। और मैं बहुत ही खुश हूँ, उनके माता पिता के जैसा ही खुश हूँ, और पूरा भागलपुर शहर भी खुश होगा यदि इस न्यूज़ को जानेगा। इसके साथ ही सबों को संदेश देना चाहूँगा कि जैसे तारे जमी पर जो पिक्चर बनी थी वो बहुत ही अच्छा संदेश दे गया, और वही संदेश इस पर भी जब उतारा गया कि नहीं, पढ़ाई में यदि बहुत अच्छा नहीं भी कर पा रहा है तो वो दूसरा क्षेत्र उसके लिए खुला है, दूसरा छुपा हुआ टैलेंट है उसको समझिए, और
उसको उस ओर भेजिए। और ये सरस्वती पूजा को लेकर बुधवार को शैक्षणिक संस्थानों में काफी चहल पहल देखी गई। मां सरस्वती की मूर्ति को अंतिम रूप देने में कलाकार भी व्यस्त दिखे। गुरुवार को देश भर में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना धूमधाम से की जाएगी। वसंत पंचमी को लेकर भागलपुर के लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। विभिन्न संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में लोग पंडाल को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। पर्यावरण को लेकर कई स्थानों पर इको फ्रेंडली प्रतिमा भी बनाई गई है। हम आपको बता दें कि पारंपरिक रूप से यह त्योहार बच्चों की शिक्षा के लिए शुभ माना जाता है। हम लोग सरस्वती पूजा को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। आज सुबह से हम लोगों सबों के बीच एक अलग सा उमंग है, उत्साह है। आप देख सकते हैं इधर हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आज हमारा मूर्ति पहुँच चुका है और रात में आज प्रोग्राम होने वाला है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, सीबीएसई करिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बहाली की मांग को लेकर अतिथि व्याख्याता अभ्यर्थियों का अनशन जारी है। तीसरे दिन भी अतिथि व्याख्याता अपनी मांगों के समर्थन में अनशन पर बैठे हैं। व्याख्याता अभ्यर्थी कपिल देव मंडल, मीरा कुमारी, सत्यजीत कुमार और आलोक वर्धन ने कहा कि बहाली के मुद्दे को लेकर कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन से मिले लेकिन उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। अनशन पर बैठे अतिथि व्याख्याता अभ्यर्थियों ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। ये विश्वविद्यालय के द्वारा अतिथि व्याख्याता की बहाली के लिए इंटरव्यू हुआ, दो दो लिस्ट निकला और उसमें सिंडिकेट से फैसला था 200 पदों पर, सभी विषयों को मिलाकर 200 पदों पर बहाल करने का। लेकिन जिसकी स्वीकृति राजभवन सरकार सबने दे दिया, लेकिन टुकड़े टुकड़े में ये रिजल्ट निकाले हैं और उसके बाद अभी तक ये 200 की संख्या पूरा नहीं पाया है। मांग 200 की पूर्ति की थी जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं किया गया है। अब कुछ अभी भी सीट बचे हुए हैं, उन पर मतलब नहीं किया, इस मांग के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। भागलपुर वैरायटी चौक स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में आयकर विभाग के अधिकारियों ने व्यवसायियों के साथ बैठक की। इस दौरान आयकर विभाग के संयुक्त आयुक्त राम प्यारे राम ने स्वर्ण व्यवसायियों को आयकर के नियम की जानकारी दी। मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक भिवानी वाला समेत व्यवसाय से जुड़े काफी संख्या में लोग मौजूद थे। हमने डिपार्टमेंट की तरफ से, भारत सरकार ने इस बार एक मसला लिया, एक एजेंडा लिया है कि ये पिछले सालों से ये एजेंडा चल रहा है कि हम लोग एक आउटरीच करेंगे। आउटरीच का मतलब कि हम डिपार्टमेंट विल रीच आउट टू पीपल। पहले का एक हमारे दिलो दिमाग में बैठा रहता था कि गवर्नमेंट के ऑफिसर ऑफिस में बैठे रहते हैं, पब्लिक उनके पास जाती है, ऐसा कतई नहीं है। पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। गवर्नमेंट भी आपके पास आएगी, गवर्नमेंट के लोग आपके पास आएंगे, आपके समस्याओं से रूबरू होंगे। भारत बंद को लेकर भागलपुर में लोगों ने CAA, NPR और NRC के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखे तो दूसरी तरफ विभिन्न संगठन से जुड़े लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारत बंद को लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये जो संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी काला कानून इस देश में ला करके मोदी सरकार लेकर आई है,
जो इस देश के गरीबों के खिलाफ है, जो ये देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है पूरे देश भर में, इसके खिलाफ हम लोग आज सड़कों पे। ये सरकार जो बिल लाई है वो संविधान के अनुरूप नहीं है, इसलिए हम लोगों ने, सारे भागलपुर वासियों ने, पूरे भारतीयों ने बंद बुलाया है। इससे जनता खुश नहीं है तो आप ये क्यों कर रहे हैं? इसे बंद कीजिए, जनता के हित से आपको जो जनता वोट देती है उससे आप है, और आप जनता को ही दिल में दुख दे रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को ततारपुर के गाजीपुर ईदगाह मैदान में लोगों ने CAA, NRC और NPR के विरोध में एक दिवसीय धरना दिया। धरना का आयोजन इस्लाही तंजीम संस्था के द्वारा किया गया। धरना में हजारों की संख्या में लोगों ने नए कानून का बायकॉट करते हुए NPR और NRC को नहीं लागू करने की मांग की। इस दौरान कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन के लोगों ने अपने विचार रखे। डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान, मौलाना फारूक नदवी, राजेश मिश्रा, उदय और रिंकू यादव ने CAA को काला कानून बताया और मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। धरना के दौरान मौलाना अहमद रजा, मोहम्मद आरिफ, हाफिज सगीर, मौलाना सोहेल, डॉक्टर इमरान फिरदौसी समेत कई लोगों ने कहा कि हमारा देश वासुदेव कुटुंबकम के आदर्शों पर चलने वाला देश है, और अगर ऐसे में सरकार मजहब के आधार पर लोगों को नागरिकता देगी तो इस देश की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठेगा। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारत बंद के दौरान लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। CAA, NPR और NRC को लागू नहीं करने की मांग। भारत बंद को लेकर भागलपुर में दिखे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सिटी DSP राजवंत सिंह ने संभाली कमान, कहा उपद्रवियों पर है पुलिस की नजर। विक्रमशिला महोत्सव को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने की बैठक। कहलगांव में 29 फरवरी से 1 मार्च तक होंगे कई कार्यक्रम। अंग के लाल सौरभ कुमार ने जीता मिस्टर एशिया इंटरनेशनल अवार्ड। बधाई देने वालों का लगा तांता। और वसंत पंचमी को लेकर सारी तैयारी हुई पूरी। गुरुवार को पारंपरिक विधि विधान से होगी मां सरस्वती की पूजा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सिल्क TV के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।